हेलो स्टूडेंट, आपने देखना शुरू कर दिया है यूनिवर्सिटी न्यूज़। आज का जो पीएचडी है थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अगर मिस होगा तो आपको ही नुकसान होगा, तो इसको बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो यूनिवर्सिटी है थोड़ा डिफरेंस है, तो इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि यूनिवर्सिटी कहाँ है और किस तरह से ये डिफरेंस है और इसमें क्या किन किन सब्जेक्ट में निकला हुआ है, कहाँ सीट है, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट प्रोसेस क्या है, थोड़ा डिफरेंस है इसीलिए ध्यान में रखिए। लेकिन इम्पोर्टेंस भी है, तो इसमें एक एक पॉइंट को बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। बिना देरी किए चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। तो देखिए, हम नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। ये है साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में स्थित है ये। तो ये जो नोटिफिकेशन है वहीं पे जारी हुआ है। साउथ एशियन एडमिशन 2024 के लिए निकला हुआ है। और साउथ एशिया यूनिवर्सिटी क्या है, ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ गवर्नमेंट ऑफ द 8 मेंबर स्टेट द साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के सार के तहत इसको इसका गठन हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसमें कौन कौन से हैं, तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है एंड श्रीलंका है। इन देश के यहाँ के स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बनाया गया है यूनिवर्सिटी। और द यूनिवर्सिटी इज मूव टू द ब्यूटीफुल 100 एकड़ ज़मीन में ये बना हुआ है, मैदानगरी दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे पीएचडी और मास्टर दो लेवल के कोर्स कराए जाते हैं। और कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए इंटरनेशनल रिलेशन भी है यहाँ पे, इंटरनेशनल रिलेशन है, लीगल स्टडी है, मैथमेटिक्स है और सोशोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे साउथ एशियन स्टडी नहीं दिया गया है। और साउथ अट्रैक्ट द साउथ स्टूडेंट को, मेंबर कंट्री को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। क्राइटेरिया एडमिशन जो है, द सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ पीएचडी विल बी कॉल्ड डायरेक्टली फॉर इंटरव्यू, देयर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। फॉर डिटेल्स सी पीएचडी प्रोग्राम, हाउएवर सच कैंडिडेट दे डिजायर कैन टेक एंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो। एडमिशन टू अप्लाई थ्रू डायरेक्ट मोड, सेपरेट एप्लीकेशन नीड टू फिल फॉर ईच मोड ऑफ एडमिशन। फ्रॉम दिस ईयर यूनिवर्सिटी अनाउंस एडमिशन टू न्यू प्रोग्राम इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, नेमली बीटेक एंड ड्यूली डिग्री बीटेक एमटेक एमटेक इंटरग्रेटेड इंट्रोड्यूस एंड लास्ट डेट इज 31st March एंड एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट 20 and 21 April। तो ये 21 को अप्रैल में ये कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये रहा, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देन यू आर एडमिशन नोटिस एंड एडमिशन एलिजिबिलिटी ऑल आर अवेलेबल देयर। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो 100 एकड़ वाला है ओपन हो गया है। देन यू आर गो अगेन एंड एडमिशन प्रोसेस ऑल्सो ओपन, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस जो है, वहाँ पे एम टेक बी टेक एंड पी एच डी में आपको एंट्रेंस टेस्ट से थ्रू एडमिशन होगा एंड ऑल्सो पी एच डी प्रोग्राम। एंड 50% जो स्टूडेंट होंगे यहाँ पे डायरेक्ट मोड ऑफ क्लिक हेयर पी एच डी प्रोग्राम, तो इसको भी दिखा देते हैं डायरेक्ट मोड में क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देन आर यू एक्सप्लेन द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इज थ्रू द टू चैनल, थ्रू डायरेक्ट मोड एंड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, बोथ दो। थ्रू डायरेक्ट एडमिशन द मोड ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट विल बी एग्जेम्प्टेड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। दे विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ CV, SOAP, रिसर्च प्रपोजल, लेटर ऑफ द रिकमेंडेशन विल बी कॉल डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू। द एलिजिबल कैंडिडेट आर फॉलोइंग, दे आर अवार्डेड SAARC नेशनल फेलोशिप डायरेक्टली SAARC कंट्रीज, हु हैज फंडेड द बाय द गवर्नमेंट एजेंसी परसू PhD, एंड दोज हु आर सैलरी कैन गेट लीव फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years
रेसिडेंसी फिलियल। द स्टूडेंट एडमिटेड टू डायरेक्ट थ्रू द डायरेक्ट मोड विल बी प्रोवाइड हॉस्टल रिकमेंडेशन एज पर द हॉस्टल रूल एंड द एग्जेम्पशन पेइंग द ट्यूशन फी हाउएवर द नॉट प्रोवाइड द एनी फाइनेंशियल शॉर्ट फेलोशिप नॉट प्रोवाइड द एनी अदर फाइनेंशियल सपोर्ट फेलोशिप एज स्टाइपेंड थ्रू आउट द टेनर ऑफ द पीजीटी प्रोग्राम। तो अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड थ्रू पीएचडी एडमिशन, अगर पीएचडी एडमिशन के थ्रू ले रहे हैं यहाँ पे एडमिशन, तो 50% मार्क्स बोथ एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू में आपको होना चाहिए, तभी एलिजिबल क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे होगा, हॉस्टल आपको मिलेगा एज पर द हॉस्टल रूल। इन NRI 45% पर मंथ आपको, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, दे आर नॉट रिसीविंग एनी अदर फाइनेंशियल सपोर्ट, तो आपको फेलोशिप भी यहाँ पे दिया जाएगा। लिस्ट ऑफ पीएचडी कैंडिडेट जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर किन सब्जेक्ट में कितना पीएचडी निकला हुआ है तो देख सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में 10 सीट है और थ्रो एंट्रेंस टेस्ट 6 है, और इसी तरह से देख सकते हैं आगे भी। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे डायरेक्ट में 6 है और टेस्ट में आपको 6 है, इकोनॉमिक्स में 1 है और इंट्रेंस टेस्ट में 6, इंटरनेशनल रिलेशन में 6 सीट्स एंड थ्रो एंट्रेंस टेस्ट 6 है, लीगल स्टडी 3 एंड 3, बोथ आर 3, दोनों में 3 3 है, और लीगल स्टडी में 3 एंड 3 है, मैथमेटिक्स में 5 एंड 6 है, और सोशोलॉजी में 6 एंड 5 है। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेवल सब्सिडी फ्रॉम कैंडिडेट इनवाइट फॉर इंटरव्यू आपको दिया जाएगा, NRI 5,000 रुपया, इंटरव्यू अपवर्क लिमिटेड है यहाँ पे। कैंडिडेट शुड ज्वाइन बिफोर ज्वाइनिंग PhD, द टेनर ऑफ द 5 ईयर्स के लिए है वहाँ पे, क्रेडिट के लिए दिया है यहाँ पे, इंटरव्यू को दिया है, सब तो दिया गया है यहाँ पे, तो देख सकते हैं आपको PhD यहाँ पे एडमिशन लेना है तो। और इसी तरह से आप देख सकते हैं और अदर्स इंफॉर्मेशन भी है यहाँ पे। एडमिशन प्रोसेस प्रोग्राम आपको पता है यहाँ पे, प्रोग्राम में भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो प्रोग्राम भी यहाँ पे ओपन हो गया यहाँ पे थ्रू द डायरेक्ट मोड और थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे जो मैंने बताया है लगभग वही यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। और इसी तरह से यहाँ पे आप ऑर्डर क्लिक करके भी देख सकते हैं प्रोसीजर प्रोग्राम होगा। जनरल एलिजिबिलिटी है यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल एलिजिबिलिटी में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए जनरल इंफॉर्मेशन एबिलिटी अवेलेबल देयर, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसको भी। और इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फी, डेट एंड टेस्ट सेंटर, तो यहाँ से क्लिक करके लास्ट है एलिजिबिलिटी भी दिखा दिए आपको, तो यह एप्लीकेशन फ़ी और लास्ट डेट है यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ी आपको 830 रुपये लगेगा और $830 और US डॉलर अगर अदर्स हैं तो $10 लगेगा, इंडियन के लिए $830 एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। और डेट तो आपको हमने बता दिया, आपको सारा रीजन में होगा और थ्रो इन शेड्यूल दे दिया गया है यहाँ पे, शेड्यूल ऑफ इंट्रेंस टेस्ट भी होगा यहाँ पे 20 अप्रैल को दे दिया है, किन किन सब्जेक्ट का होगा देख लीजिए यहाँ पे, और 21 को भी सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंट्रेंस टेस्ट टाइम शेड्यूल यहाँ पे दे दिएगा, 8:30 बजे शुरू हो जाएगा अफगानिस्तान में आफ्टरनून, एंड पाकिस्तान में 9 बजे, श्रीलंका में 9:30 में, नेपाल में 9:45 में, भूटान में 10 AM में, और इंडिया में 9:30 में। टेस्ट सेंटर आपको दे दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, टेस्ट सेंटर इंडिया में देखिए कहाँ कहाँ है यहाँ पे, अहमदाबाद, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, कोचिंग है, देहरादून है, दिल्ली है, गोवा है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, इंदौर, जयपुर एंड पटना, लगभग वाराणसी, श्रीनगर, वाराणसी, विजयवाड़ा, ये सब हर जगह है। और इन टेस्ट सेंटर इन अदर कंट्री में आपको काबुल में है, बांग्लादेश में चिटगांव, ढाका में है, भूटान में थिम्पू में है, मालदीव में, माले में, नेपाल में 3 जगह पे है, काठमांडू में है, भरत बीरांतन नगर में है,
और पाकिस्तान में कराची, लाहौर, पेशावर तीन जगह हैं यहाँ पे, और श्रीलंका में कोलंबो और जफना में है यहाँ पे निकला हुआ है ये सीट। और सेंटर के बारे में आपको जानकारी मिल गया यहाँ से, और यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं अदर्स इन्फॉर्मेशन दिखा दे, ट्यूशन फी, स्टूडेंट वीजा, स्कॉलरशिप कंटेंट, अप्लाई करने का क्लिक करके इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो और कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जिसे बताया जाए, तो आप यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करके भी, अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन हो जाएगा यहाँ से। और इसको आप भर के और पीएचडी करना चाहते हैं किसमें, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा पीएचडी से रिलेटेड अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। थैंक यू वॉचिंग यूनिवर्सिटी न्यूज़।